उन्होंने हमें प्रॉब्लम्स का हमें पता ही नहीं होता था कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कभी फील ही नहीं होने दिया कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब थिएटर थिएटर नहीं है, थिएटर तब था जब सुहेल साहब काम करते थे, इरफान खुसर साहब काम करते थे, बब्बू साहब थे, ये लोग थे। कोई थिएटर का एक जब फैमिलीज आती थी देखती थी तब थिएटर से, ये अब थिएटर नहीं है। कई लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी, टाइम गुजारा, तो अब किस किस की कॉल आई है, किसने फ़ोन पे कॉल भी किसी की भी नहीं आई, हमारे गवर्नमेंट ने भी नहीं, हमारे कोई की ना, इन एक्टरों ने कोई नहीं, हमारे जो दादके हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो मेरी माँ की तरफ से भी, मेरे वाला साहब की तरफ से, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैंने आपा से, प्रिया बाजी से बात की, मैंने कहा जी हम उनका चेहरा देख रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब उनकी नसीहत थी कि मेरा चेहरा किसी को दिखा दें, जो लोग जिंदा मेरे पास नहीं है उनको क्या फ़ायदा, तो क्यों के बात कह के गए वो? वो बहुत डिसपॉइंट हुई थी, उन्होंने इनको बहुत फ़ोन किया, इन लोगों को सब अपने अपनों को, ये कहते थे ये मेरे अपने हैं, अपने हैं, हम कहते थे अम्मी ना करें, जब आपका अल्लाह कर रहा है हेल्प करती थी कि वैसे ही बस हेल्प के लिए भी, या मतलब कि मुझे पूछे तो सही आके, मेरा पता तो करें। अरे आपा आपा करके इस तरह इधर उधर को रोटियाँ मेरी माँ पका पका के इनको खिलाते होते थे, बब्बू साहब, मस्ताना साहब, ये सारे आके खाने वगैरह खाते थे। मैं फिर एक दिन ले ही गया तो विक्की साहब के घर कोई फंक्शन था, सालगिरह वगैरह का कोई, उस टाइम आपकी वाला बीमार थी? हाँ जी बीमार थी, तो चांदनी आंटी बाहर आई हैं, तो उन्होंने तो देखते साथ ही परेशान हो गई, वो हैरान हो गई उनको कि ये मुर्दापा ही हैं, यानी पहचाना ही नहीं गया कौन है। हाँ तो फिर मैंने उनको बताया कि ये वो हैं, मैं उनका बेटा हूँ, तो ये वो, तो उन्होंने कहा जी कि आप इस टाइम प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएँ, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, तो हमारा माहौल ख़राब होगा, तो आप इस टाइम प्लीज़ चले जाएँ, तो विक्की को मैं कहूँगी वो आपको कॉल कर लेगा, कॉल कर लेगा, यानी हमें वो भेजना चाह रहे थे टाल यहाँ से आपको। तो वहाँ मेरी माँ को मैंने टूटते हुए देखा, आज मुर्दापा चली गई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा बट, और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। नाज़रीन मौजूद हूँ ज़मूर खान साहबा के रहायशा के बाहर, और आज उनका इंतकाल हो गया, हमारे साथ उनके बेटे तुरान खान साहब मौजूद हैं, जो वाहिद हैं, अपने माँ बाप का सहारा थे, दो इनकी बहनें थी और अकेले खुद थे। तो तुरान साहब से पूछेंगे आज इस घड़ी में क्या कहेंगे आप साहबा जुमे से चली गई हैं, वो फनकारा थी जो जिन्होंने 40 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में राज किया, थिएटर में राज किया, ड्रामा में राज किया, और हर किसी के दुख में वो जाती थी। तो आज इस दुख की घड़ी में आप क्या कहेंगे जनाब, तो मुर्दापा गई हैं सर जी, बस समझ लें कि मेरी तो दुनिया ही चली गई, कि मेरे दुआएं करने वाली मेरे लिए मेरी माँ, और ऐसी फाइटर औरत जिसने अपनी औलाद के लिए बड़ी तकलीफ़ें काटी मेरी वालदा ने, लेकिन जो भी जिस तरह भी है कि मेरी माँ ने बस हमें बड़ी अच्छी तरबियत दी है, बस यानी हमें किसी के आगे यानी झुकने नहीं दिया, हमें किसी किस्म का यानी कि उन्होंने हमें प्रॉब्लम्स का हमें पता ही नहीं होता था कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कभी फील ही नहीं होने दिया कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अच्छा हमने सर हमेशा ड्रामा में उनको देखा है या मूवीज़ में भी देखा, हमने उनके लिबास के बड़ा देखा कि ना वो कभी उन्होंने ऐसा लिबास नहीं पहना जो आप तनकीद कर सके लोग उनके ऊपर, और उनके थिएटर छोड़ने की वजह क्या बनी थी, क्या वजह थी उन्होंने छोड़ सर, दिया? वो उन्होंने जब जो थिएटर, अब थिएटर थिएटर नहीं है, थिएटर तब था जब सुहेल साहब काम करते थे, इरफान खुसर साहब काम करते थे, बब्बू साहब थे, ये लोग थे। कोई थिएटर का एक जब फैमिलीज आती थी देखती थी तब थिएटर से, ये अब थिएटर नहीं है, वो थिएटर थे, तो उनका फिर अब यहाँ पे उनका वो काम है, वो डांस तो नहीं ना कर सकते, ठीक है ना, ये डिमांड आज के थिएटर में डिमांड की जाती है कि आप डांस लाजमी करें, आप वल्गर जुगत मारे, आप वल्गर जुगत, ये वो इन्होंने अच्छे काम किए हैं, ये सुहेल साहब वगैरह के साथ, इरफान खुसर, ये लोग कवि साहब के साथ, ठीक है। हाँ मैं छोटा सा देखता आता था उनको काम करते हुए, साथ जाता था, मैंने भी किया है, लेकिन क्या इन्होंने इनके साथ काम किया हुआ इसलिए उनको नज़र आ गया था, हाँ टीवी कर सकते थे ये, लेकिन इन्होंने फिर अपनी औलाद को भी टाइम ज़रा साथ साथ। तो क्या वजह कि ज़मूर दापा आजकल मीडिया के सामने कभी नहीं आई, जब उन्होंने थिएटर छोड़ दिया, बहुत कम हमने इंटरव्यूज़ देखे, और जब भी बीमार हो गई और तो बिल्कुल भी नहीं आई, क्या वो खुद मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करती थी? नहीं, उनको जो है ना वो बस डिसअपॉइंटेड हो गई थी लोगों से बहुत ज़्यादा ना, तो ये लोग पता नहीं क्या, हर इंसान अभी लोग समझते हैं कि वो के मीन हो गए हैं, ये है ठीक है, कामयाबी मिली है, सारे छोटे से आगे बड़े हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता, या लेकिन
एक इंसानियत तो होनी चाहिए ना, एक चीज़ तो होनी चाहिए ना कि जमूर दापा के बारे में ये मशहूर था, जैसे अमानुल्लाह खान साहब या मस्ताना साहब या बबू साहब किसी का हाथ खड़ा कर देते थे, उस बंदे का रिजल्ट समझो अल्लाह के बाद कंफर्म होता था, लोग उसको देखते थे। या मान साहब में तो जमूर दापा के बारे में मशहूर था कि जमूर दापा जिसके साथ 5-10 मिनट की स्क्रीन शेयर कर लेती थी तो लोग उनको समझते थे यार इस बंदे ने जमूर के साथ टाइम गुजारा स्टेज के ऊपर, लाजिम ये भी बड़ा फनकार है। तो जमूर दापा ने अपने टाइम पर जो नए यंगस्टर थे तब, जो जैसे आप ये समझ लें आप कैसर पिया साहब हो गए या जफरी खान साहब हो गए, जिन्होंने लेट शुरू की साहब हो गए, तो इन्होंने इनको चांस ही दिए, चांस तो अल्लाह ने देना इनको दिया, ये इन्होंने इनको माँ समझ के आगे आते थे। तो क्या समझते हैं इन लोगों ने, फनकारों ने जब उस अरूज पे इनके कदमों को हाथ लगाकर स्टेज को शुरू किया, और आज जब आप देख रहे हैं घर में जो भी आपा के अलावा कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं, हालांकि पूरी ये खबर सोशल मीडिया पर फैल चुकी है, तो क्या कहेंगे आप? सर अब वही मैंने आपसे बात की है ना कि अब देखें ना कि अब हम नेगेटिव तो ना भी किसी के बारे में सोचें, चलो ठीक है उनकी लाइफ है उनकी दुनिया है, लेकिन अब उनके वो कहते हैं कहेंगे जी, लेकिन इंसानियत तो होनी चाहिए ना कि अब आप एक फील्ड में काम कर रहे हैं किसी के साथ हैं, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई मसला मसाइल हुआ है तो उनका आना या अपनी हाज़िरी देना, यानी कि मसल ये मौका ऐसा है कि यहाँ पे इस टाइम तो आना ज़रूरी है ना, दिल में दुख हो रहा है तो हाँ जी, के कई लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी टाइम गुजारा तो अब किस किस की कॉल आई है, किसने फोन पे कॉल भी किसी की भी नहीं आई। सुहेल साहब सुना बड़े अजीज थे आपकी फैमिली के साथ, बड़े क्लोज थे आपके साथ। हाँ जी सुहेल साहब का बंडल ऑफ थैंक्स सुहेल साहब के लिए कि वो जो है को समझ लें कि उन्होंने ये अब नहीं शुरू से ही मेरी स्टडी के लिए भी उन्होंने बड़ा कुछ किया, और सुहेल साहब के लिए बहुत ज़्यादा। सुहेल साहब सलाम है आपको जनाब, इस फील्ड में आप जैसे फनकार जहाँ पे जिंदा हैं तो जनाब ये फील्ड भी अभी तक जिंदा है। सर ये सवाल बताएं कि समूर दापा समय जब आप खुद वो तंदुरुस्त थी तो किसी की भी खबर सुनती थी कि बीमार है तो सबसे पहले खुद पहुंचती थी वहाँ पे जाकर, हाँ जी, इस हाँ बात हाँ में कितनी सच्चाई है? हाँ जी घर बैठ के दुआ करती थी उनके लिए और काफ़ी फील करती थी, और बस आपको पता है लास्ट उन्होंने टाटा साहब का इंतकाल हुआ, हाँ कभी साहब का हुआ, तो जब हुआ, उनको आप बताते थे तो उनको क्या जज्बात आगे जाते थे, क्या कहते थे? टाटा साहब का जब पता लगा था तो अम्मी काफ़ी जो है ना वो अपसेट हुई थी। हाँ कैंसर उन्हें कब से था सर? हाँ जी कैंसर जो था कब से था? ये उनको तकरीबन साल ही हो गया तकरीबन, देखते देखते ही बस ख़त्म ही, सर्जरी हुई है 3 माह के बाद फिर दोबारा हो गया उनको, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी फिर ये फिर वो आपको पता। और इतनी तो कैंसर तो काफ़ी महंगा इलाज है, तो इसके आप कैसे आप इसको इलाज को बर्दाश्त करते, इसके जो खर्चे थे कौन देता था, गवर्नमेंट देती थी या आप लोग आपस में तमाम बहन भाई मिलकर? हमारी गवर्नमेंट ने भी नहीं हमारे कोई की, ना इन एक्टरों ने कोई नहीं, हमारे जो दाद के हैं हमारे जो रिश्तेदार हैं जो मेरी माँ की तरफ से भी मेरे वाला साहब की तरफ से उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मेरे दाद को ने ज़्यादातर हेल्प किया। क्या मुलाकात हमारी बहन हमने हमारे पास जो कुछ भी था हमने सब कुछ जो है ना, आपने भी थिएटर पे काम किया, आपने चाइल्ड स्टार काम किया, तो वालदा साहबा ने क्या नसीहतें ज़िंदगी में की हैं आपको, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को बड़े करीब से देखा है, तो आपके लिए कोई नसीहत करके गई हैं कि इस फील्ड में ना जाना, ये लोग बड़े ऐसे हैं, क्या कहा उन्होंने आपको, क्या जब आप बात करती थी? ख्वाहिश तो उनकी है कि वो तो कि मसलन एक्टर बनना या जाना वो, लेकिन वो ये कहती हैं कि इंसानियत, कहती थी कि बेटा दो बंदों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक मुश्किल वक्त में जो काम आए और एक जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ के चला जाए, दो पार्टी को कभी नहीं छोड़ना भूलना चाहिए। मैंने आपा से प्रिया बाजी से बात की, मैंने कहा जी हम उनका चेहरा देख रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब उनकी नसीहत थी कि मेरा चेहरा किसी को दिखा दे, जो लोग जिंदा मेरे पास नहीं आए उनको क्या फ़ायदा, तो क्यों कई बात कह के गए वो? वो बहुत डिसपॉइंट हुई थी, उन्होंने इनको बहुत फ़ोन किया इन लोगों को, सब अपने अपनों को ये कहते थे ये मेरे अपने हैं अपने हैं, हम कहते थे अम्मी ना करें जब आपका अल्लाह कर रहा है, हेल्प करती थी कि वैसे ही बस हेल्प के लिए भी, या मतलब कि मुझे पूछे तो सही आके मेरा पता तो करें, यार फील करते हैं ना यार भाई जान आप देखे ना, तो वो किसी ने भी कोई टक्कर ही नहीं, तो रोती थी फिर वो अकेले जब नहीं, अपने नहीं, अपने नहीं, नहीं। अपने अकेले में अपने अम्मी यानी मैं इस बंदे ने मेरे साथ काम किया, इसको मैंने अपना बेटा बनाया हुआ था, इसको मैंने भाई बनाया हुआ था, इसको मैंने बेटी बनाया हुआ था अपने, दिल में रख लेती थी बस हल्का फुल्का बात कर लेती थी, तो यानी को फिर हमें कहते थे, फिर हम कहते थे हम ज़्यादा फिर बात नहीं करते थे कि ज़्यादा और ज़्यादा टेंस में ना आए, हम कहते थे चलने छोड़े माँ जी क्या हो गया खैर है, ये अल्लाह ताला ही है ना हमारे दाद के माशाल्लाह, तो उन्होंने सारा आपका किस तरह अल्लाह ताला ने सारा मतलब वो समझते होंगे यार ये इन पे बोझ बना हुआ है, मेरे फनकार दोस्त कहाँ पे गए जो मेरे साथ खड़े थे,
वही ना, मैं कहा छोड़ दे उनको, आपका रब ने कर दिया ना, आपको पता चला। अच्छा थोड़ा मुझे उनके अरूज के वक्त का वाक्य सुनाएंगे, जब वो अरूज पे थी अपने स्टेज पे, किस तरह साथी फनकार उनके साथ पेश आते थे। सारे आपा आपा करके इस तरह इधर उधर को रोटियाँ मेरी माँ पका पका के इनको खिलाते होते थे, बब्बू साहब मस्ताना साहब ये सारे आके खाने वगैरह खाते थे, फिर इनके साथ पूरा गेट टुगेदर होता था सारा, नाहिद खान माल्टी उनके, हाँ जी उनके ये ग्रुप सारा इनका। तो क्या कहेंगे आप इन साथी फनकारों को, क्या पैगाम देंगे यहाँ पे एक बेटे के नाते, यहाँ पे आप ही फनकार हैं, आपसे फनकाराना सवाल नहीं पूछता मैं, एक बेटे के नाते आप अपने वालदा के जो कुलीग्स थे उनको आप क्या पैगाम देंगे, जिन्हें वो फ़ोन करती थी, रोती थी फ़ोन करते हुए, लेकिन वो फ़ोन नहीं सुनते थे आगे से, क्या कहेंगे आप। मैं सर क्या कह सकता हूँ, किस फनकार को बहुत ज़्यादा याद करती थी वो, मतलब जिससे होता है रैंडमली, जैसे मुझे पता कि यार टैडी साहब को मैंने कॉल करनी है डेली, या इसको मैंने बेटा बनाया हुआ है, या सीम विक्की नासर साहब पे उनको जो था कि नासर साहब का मुझे ज़्यादा, और या विक्की साहब का ज़्यादा। इन्हें तकरीबन हर दूसरे दिन फ़ोन करती थी, नहीं फ़ोन नहीं करती थी, यानी मुझे कहती थी कि इनके पास लेके चलो मुझे, तो मैं कहता था कि नहीं अम्मी नहीं लेके जाना, ठीक है लेके चलो। फिर मैं बच्चों की तरह जिद करती थी, तो मैं फिर एक दिन ले ही गया, तो विक्की साहब के घर कोई फंक्शन था सालगिरह वगैरह का कोई, उस टाइम आपकी वाला बीमार थी। हाँ जी वाला बीमार थी, तो चांदनी आंटी बाहर आई हैं, तो उन्होंने तो देखते साथ ही परेशान हो गई, वो हैरान हो गई उनको कि मुर्दापा ही हैं, यानी पहचाना ही नहीं गया कौन है। हाँ तो फिर मैंने उनको बताया कि ये वो हैं, मैं उनका बेटा हूँ, तो ये वो, तो उन्होंने कहा जी कि आप इस टाइम प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएँ, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, तो हमारा माहौल ख़राब होगा, तो आप इस टाइम प्लीज़ चले जाएँ, तो विक्की को मैं कहूँगी वो आपको कॉल कर लेगा, यानी हमें वो भेजना चाह रही थी यहाँ से आपको। तो वहाँ मेरी माँ को मैंने टूटते हुए देखा, आंखों में आंसू शुरू हो गए आने, नहीं आंसू नहीं आते मेरी माँ की आँख में, दिल से आपको लगा के वो बस महसूस थी मुझे, चेहरे से मुझे पता लग गया। उसके बाद दोबारा जितने की उन्होंने आपके सामने नहीं, फिर नहीं उसके बाद उन्होंने, और नासर चिनोटी साहब से आपने फोन पे जब बात की उनसे, वो तो उनको व्हाट्सएप वो खुद ही करती थी, लेकिन वो विक्की साहब को वो मैंने वो देखा ना, तो फिर मैंने अपनी माँ को वो देखा, फिर मैं अपनी माँ को कहा, मैं कहा वहाँ आपको देखा, मैंने आपको कहा था ना कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपका सारा रब ने कर दिया है आपका, लेकिन सर एक बंदे के साथ 20-25 साल गुजारे हैं कि वो चांदनी आंटी वो थी कि जिनके साथ अम्मी का इतना था कि दोस्त थी, स्टेज शेयर किया उन्होंने आपस में सारा कुछ। बस आखिर में सर क्या पैगाम देंगे आप इन फनकारों के लिए, क्या पैगाम, देखिए वक्त सब पे आना, सब ने इस दुनिया से जाना, टैडी साहब गए हैं, कवि साहब गए हैं, आज मुर्दापा चले गई हैं, सर जी मैंने क्या पैगाम देना, कुछ भी नहीं देना, बस कोई वसीयत करके गई आखिरी है, कुछ वसीयत की इन्होंने आपको आखिरी, कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा कि बहन भाई अपने बस आप एकजुट होके रहो, रहना है बस, और हमारी टेंशन लेते थे कि बस लड़ना झगड़ना नहीं है, और एक ही एक उनकी ख्वाहिश थी कि हम तीनों बहन भाई बस एक एक ही बन के रहें, बस अलहदगी ये ना हो, कभी उनको पछतावा नहीं हुआ जिंदगी में कि जिस फील्ड को उन्होंने 40 साल दिए हैं और उस फील्ड ने उनको तनतनहा कर दिया है, गवर्नमेंट की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं की गई, अफसोस होता है, कभी कहती थी आपसे कि मैंने गलती की इस फील्ड में, अगर ना आती तो अच्छी बात नहीं, नहीं 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 ये नहीं, वो उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं सर जी, इस तरह चलता रहता है दुनिया है। स्टेज में तो हमने उनको देखा, बातें जनाब उनकी हम जुगलबंदी पे जो वो वहाँ पे करती थी, लोगों को हंसा देती थी, घर में भी वो ऐसी फनी थी। हाँ जी हाँ जी, दोस्तों की तरह मेरी और छोटी सिस्टर के साथ तो पूरा दोस्ताना रहा कि हम हर बात अपनी माँ के सामने। और सख्त कितनी थी, सख्त कोई स्कूलिंग के मामले में, ट्यूशन भेजने के मामले में कोई भी नहीं, सख्त होती तो शायद हम आज किसी और मुकाम पे होते, हमें बहुत लाड प्यार दिया वालदा ने, बहुत बहुत ही लाड प्यार दे दिया। आखिर में उनके चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे सर आप, कि बस उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस जी नाज़रीन आपके सामने मौजूद हैं ज़मूर सापा के जो हैं बेटे, और उन्होंने दुनिया की तल हकीकत बताई है यहाँ पे, ये वाक़ा सुनाना कि किसी को हमने नेगेटिव नहीं किया यहाँ पे, बेहतरी हम ये वाक़ा इसलिए सुनाया कि वो लोग जो किसी से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, ये उनके लिए पैगाम है कि अपने सिर्फ अपना खून ही होता है, ये अपने थे, प्रिया इनकी बहन थी वो इनकी अपनी थी, ठीक है, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, जो इनके साथ खड़ी हुई यहाँ पे बहन भाई आपस में अपने वालदा के, और वो लम्हा इनके लिए सबसे तकलीफ़ दे लम्हा, जब ये विक्की साहब घर गई और वहाँ पर जनाब अंदर इनको नहीं ले जाया गया, उस वक्त वो टूट
जुड़ के कहते हैं जनाब, समझदार जो डॉक्टर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि इंसान मेडिसिन से ज़िंदा नहीं रहता, इंसान रहता है अपनों की खुशियों से ज़िंदा रहता है। जितना इतना हो सका इन्होंने जितना ये अपने माँ बाप को खुशियाँ देते रहे, लेकिन जो फनकार थे उन्होंने खुशी बिल्कुल नहीं दी ज़मूर दापा को। आज ज़मूर दापा उस जगह पर गई हैं जहाँ पर कोई बंदा जो है आपका दिल नहीं दुखाएगा, वहाँ पर अल्लाह की ज़ात होगी, ज़मूर दापा होंगे, वो तमाम फनकार होंगे जो इस दाड़े फानी से कुछ फरमा गए हैं। अल्लाह से मुझे ज़मूर दापा के अगले मुकाम को जो है आसानियाँ करें, उनको जगह ता फरमाए, और उनके चाहने वालों से गुजारिश है मेरी कि आप जहाँ जहाँ पर भी हमारी वीडियो देखें उनके लिए दुआएं मगफरत ताज़मी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।